तो और भाई लोग क्या हाल है यार। अब बहुत दिन से सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले नहीं डाला था, तो यार आप लोग के लिए एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले। और हाँ, बहुत दिन हो गए कोई गिव अवे करे हुए भी, तो आज की वीडियो में अनाउंस करूंगा मैं 4 रॉयल पास की गिव अवे, और उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। भाई जॉर्ज पुल उतरने का ये नुकसान होता है, इन बंदों को गन ही नहीं मिली। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे रॉयल पास गिव अवे की, तो देखो भाई 4 रॉयल पास की गिव अवे होने हैं और उसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो होगा 3-4 दिन बाद मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। अब आपको इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और इस वीडियो पे कमेंट करना है अपनी पबजी आईडी। तो जो आपकी पबजी आईडी होती है नंबर्स में लिखी होती है आपकी प्रोफाइल में, उसको ही कमेंट करना है क्योंकि उसी पर रॉयल पास का गिव अवे जाएगा और जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो डिस्कॉर्ड के थ्रू होगा। तो ये बात का ध्यान रखना है कि आपको मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस डिस्कॉर्ड आईडी से आप मेरे सर्वर को ज्वाइन करने वाले हो वो उसी गूगल यानी जीमेल अकाउंट से लिंक होनी चाहिए जिस जीमेल अकाउंट से आप यहां पर कमेंट कर रहे हो, क्योंकि यार पिछली बार जो गिव अवे करे तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी सही विनर्स को ढूंढने में, और अब की हम लोग सब फेयर एंड स्क्वायर रखना चाहते हैं। तो भाई जिस गूगल अकाउंट से आप इस वीडियो में अपनी पबजी की आईडी कमेंट करने वाले हो उसी से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, ताकि हम लोग आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी कि आपको क्या करना है, तो भाई डिस्क्रिप्शन खोलना इस वीडियो का, वहाँ बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। और जो रिजल्ट होगा वो 2-3 दिन बाद डिस्कॉर्ड पे अनाउंस हो जाएगा। ओ भाई साहब बहुत देर तक पकड़ डाला। अब फिलहाल बात करते हैं हम लोग यार गेम प्ले की। तो यार देखो, यहाँ पर 2 स्क्वाड थी, एक वाले वेयर हाउस में तो मैं था, इसके आगे वाले में एक स्क्वाड और उसके आगे वाले में एक और स्क्वाड थी, और जो पीछे वाली स्क्वाड थी उसके मैंने 2 बंदे ऑलरेडी गिरा डाले थे। बीच वाली स्क्वाड के बंदे बचे हुए थे जिनको मुझे ठिकाने लगाना था, और पीछे वाले भागने के मूड में थे। भाई साहब ये तीसरा बंदा तो मेरे को दिखाई नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैंने इन तीनों को फिनिश कर दिया और उसके बाद जल्दी से हेल्थ लगाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरे ऊपर पुश करने वाले हैं क्योंकि फुटस्टेप बहुत ज़्यादा लाउड आ रहे थे। अब यहाँ पर मैंने पोजीशन होल्ड कर ली, लेकिन तभी मेरे को समझ में आ गया कि असल में वो पीछे भाग रहे हैं, तो मैं भाग के उस वाले वेयर हाउस में गया। अब इनको मार मार के मैंने ऑलरेडी इनकी पहले से हेल्थ डाउन रखी थी, तो इस वजह से एक ही बार में बंदा नॉक हो गया, लेकिन मेरे को दोबारा दिख नहीं रहा था, लेकिन पीछे कुछ और बंदे दिखे मेरे को। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने दोनों किल कंफर्म कर लिए थे, लेकिन जिसको पहले नॉक करा था वो बच गया था और वो भाग के यहाँ आ गया, और उसको मैंने एक ही बार में फिर से नॉक कर दिया। अब यहाँ पर मैं पुश करने जा रहा था और मैं सोच रहा था कि उसका जो दूसरा साथी होगा जिसने उसको रिवाइव दिया वो घर के अंदर आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो उसके पीछे था और मेरे को एकदम से दिखा। भाई साहब बंदा मेरी काफी हेल्थ खा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो नेड करने गया और यहीं पर मेरे को मौका मिल गया और मैंने इन दोनों के ठिकाने लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ कोई नहीं बचा था, तो मैं यहाँ से निकल गया। अब फिलहाल मैं जा ही रहा था कि पीछे मेरे को एक ड्रॉप दिखा, तो मैंने वापस से गाड़ी घुमाई और उधर ही गया जिधर ड्रॉप था, लेकिन सामने मेरे को एक गाड़ी दिख गई। अब यहाँ मैं कार से फाइट नहीं ले सकता, तो मैंने थोड़ी सी गाड़ी काटी ताकि अगर वो मेरे ऊपर पुश करते तो मैं खिसक सकूँ, लेकिन जब वो कंपाउंड में रुक गए तो मैं भी कंपाउंड में घुस गया। अब फिलहाल मेरे को पता था कि उनकी गाड़ी आगे गई है, लेकिन वो भी समझ गए थे मैं पीछे आ रहा हूँ और वो लोग मेरे ऊपर रश करने लगे। अब वो रश कर रहे थे तो मैं डिफेंड करने लगा और इसका मेरे को फायदा भी मिला। I'm choosing, not losing, that's my
two cents, so use it. You know I'm back, it's a back. I'm better than ever, never been better. I know that I wrote that. Sipping on some coke and no tech. Who's there? अब भाई साहब इन दोनों को तो मैंने मार दिया, लेकिन ऊपर से हम लोग थर्ड पार्टी हो रहे थे और गंदी फायरिंग हो रही थी मेरे ऊपर। तो यहाँ पर मैं आया था कि थोड़ा हाइट एडवांटेज मिले, एक हाथ को मैं स्नाइप कर चुकूँ, लेकिन भाई वो लोग कुछ ज़्यादा ही एंगल होल्ड करके बैठे थे। भाई यहाँ मेरे हेड शॉट पड़ी और फिर पागलों की तरह वो लोग मेरे ऊपर फायर करने लगे। अब मैं इतना तो समझ गया था कि वो लोग कई जगह से पीक कर रहे हैं और सबके पास स्नाइपर्स और डीएमआर हैं, तो मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता था। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं थोड़ा पीछे हटूंगा और किसी अलग एंगल से उनको मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन भाई साहब उधर कुछ ज्यादा ही खतरनाक डीएमआर चल रही थी और यहां पर मुझे बहुत सारा डैमेज हुआ। और इस जगह मैं समझ गया था कि मैं इस तरह इन लोग से नहीं लड़ सकता हूं और गाड़ी लेके मैं निकल गया, क्योंकि मुझे जोन में भी जाना था। अब भाई साहब यहाँ मैं सोचा था मेरे पे पुश करेगा, लेकिन उसने पिन खींची नेट की और यहाँ पर मैं समझ गया यही मौका है। मैंने उसको नॉक कर दिया, वो बंदा अंदर नेट भी नहीं डाल पाया और यहाँ मैं इंतजार करने लगा उसके साथियों का। पर इसको बचाने कोई आया ही नहीं। अब फिलहाल इसको मारते ही मैंने जोन में जाना प्रेफर करा, लेकिन जो स्क्वाड पहले मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी वो मेरे को सूंघते हुए घटका तक आ गए। लेकिन यहाँ पर मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी और यहाँ से निकल गया, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब फिलहाल गाड़ी लेके मैं आगे वाले कंपाउंड पे जा रहा था कि तभी मेरे को नीचे से भागता हुआ एक बंदा दिख गया और जो स्क्वाड मेरे को पहले वेट रही थी अब वो इन लोगों के पीछे पड़ गई थी। अब यहाँ पर मैंने हिम्मत करके उनकी किल चुरा ली, लेकिन बंदे ओपन से पुश कर रहे थे असॉल्ट राइफल और डीएमआर लेके। तो यहाँ पर मैं समझ गया ये कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव है, तो मैंने फिर से गाड़ी उठाई और फिर से यहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर मेरी नज़र हेलमेट पर थी। भाई मेरी वेस्ट तो बढ़िया थी, लेकिन हेलमेट की ऐसी तैसी हो रखी थी और मेरे को सामने एक ड्रॉप भी दिख गया। अब भाई ड्रॉप देके लालच तो आ रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की, क्योंकि सामने एक स्क्वाड हाउस था और उसमें बंदे होने की गारंटी 100% थी। ओ भाई साहब इधर मेरी जॉयस्टिक फंस गई थी, लेकिन किसी तरीके से मैंने डबल टैप करा और वहां से फौरन भागा, लेकिन वो बंदा मेरे ऊपर पुश कर दिया। अब भाई इन दोनों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया और इनके पास लूट भी गजब की थी, यहाँ पर कि फ्लेयर भी इन लोगों के पास थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी इन नालायकों ने फ्लेयर यूज़ नहीं करी, तो मेरे को गन नहीं मिली। अब यार यहाँ पर मैं फ्लेयर यूज़ भी नहीं कर सकता था और जो स्क्वाड मेरे पीछे पड़ी थी वो यहाँ पर आ गई। अब एक को मैंने हेडशॉट दे दिया था, लेकिन उनके पास कई सारे स्नाइपर्स थे। 20 किल के साथ मैच वही फिनिश हो गया। चिकन डिनर तो नहीं मिला, लेकिन इस मैच में जबरदस्त चिकन डिनर है, तो उसे जरूर देखना। उधर उस सिटी के बाहर जो ट्रक खड़ा है ना रेड वाला उसके पीछे से बढ़िया करो रिवर्स एक्सीलेंट बोल रहा है।
भाई क्या गाड़ी चलाते यार अब मैं तो Oh my God.